हुए कुछ महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। आज के टॉपिक में यही पढ़ना है, किसान आंदोलन हमारे भारतीय इतिहास में जो किसान आंदोलन हुए उसी के बारे में आज के ये पूरा वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैप के जरिए एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन सा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो पहला है बिहार। बिहार में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण। बंगाल में हुआ था नील आंदोलन, पावना आंदोलन, तेवागा आंदोलन। और तेलंगाना में तो नाम से याद रखना है, तेलंगाना में हुआ था तेलंगाना आंदोलन। और केरला में मोपला विद्रोह, केरला में हुआ था मोपला विद्रोह और पोनप्पा विद्रोह। उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ था डक्कन का आंदोलन। उसके बाद गुजरात में दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, खेरा आंदोलन, बारदोली आंदोलन, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता। फिर है यूपी, राजस्थान में हुआ था बिजौलिया आंदोलन। राजस्थान में जो आंदोलन हुआ था बिजौलिया आंदोलन। और यूपी में एका विद्रोह। तो बारी बारी से सब के बारे में जानने का प्रयास करें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो है चंपारण आंदोलन। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो चंपारण आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था तिनकटिया प्रणाली। इसी के खिलाफ में चंपारण के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ या ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को आंदोलन में बुलाया था और इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, और यही महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भी हुआ। तो सवाल पूछेगा महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण आंदोलन में। और ये आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ। उसके बाद यूपी में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था एका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एका आंदोलन। कब हुआ था? 1921 बाईस ईस्वी। इसका मुख्य कारण था अधिक लगान किसानों से अंग्रेजी सरकार द्वारा या जमींदार द्वारा अधिक लगान वसूल करना। इसके जो मुख्य नेता थे वो थे मदारी पासी और सहरे। उसके बाद राजस्थान से ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे, सिर्फ ये पूछेगा बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में हुआ था या कहाँ हुआ था? तो राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। उसके बाद फिर खेरा आंदोलन को बाद में पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले छोटे छोटे जो आंदोलन थे उसको देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में कौन सा आंदोलन? तो महाराष्ट्र में हुआ था डक्कन का आंदोलन 1875 ईस्वी में।
का मुख्य कारण था साहूकार द्वारा किसानों पर अत्याचार। उसके बाद केरल में जो आंदोलन हुआ था उसका नाम है मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में। और पोनप्पा बायलर विद्रोह हुआ था 1946 में। तो यहाँ से एक ही सवाल बनता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरला में। कब हुआ? 1921 में। पोनप्पा बायलर विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कहाँ पर हुआ था? केरला में। उसके बाद है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था तेलंगाना में ही हुआ था। कब हुआ था? 1946 से 1951। इसका जो मुख्य कारण था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वस्तु के कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ। तो अचानक जो वस्तु की कीमतों में वृद्धि हुई उसी के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा गया जिसका नाम पड़ा तेलंगाना आंदोलन। यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि यही एकमात्र आंदोलन था जो आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक चला था। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जब चंपारण हमने देख लिया, यूपी देख लिया, अब आगे जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है गुजरात में हुए आंदोलन। पहला आंदोलन है केरा आंदोलन, कब हुआ था? 1918 में। दूसरा है बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह, कब? 1928 में। यानी 18 में खेरा आंदोलन और 10 साल बाद 1928 में बारदोली आंदोलन। तो सबसे पहले खेरा आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था फसल नुकसान के बाद भी कर वसूल। जो किसान खेती करते थे उनके फसल अच्छी नहीं हुई या किसी कारण या बाढ़ के कारण किसी कारण फसल नहीं हुई तब भी उससे मोटे मोटे यानी भारी भारी कर वसूले जाते थे, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया। कौन सा? खेरा आंदोलन। कब? 1918 में। इसके जो मुख्य नेता हुए 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 वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद हमारा जो दूसरा आंदोलन है वो है बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था लगान में वृद्धि। इसका भी नेता वही हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि किस आंदोलन में, सवाल पूछा जाता है किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो इसका जो सही उत्तर है यही होगा बारदोली सत्याग्रह या बारदोली। बारदोली के महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। अगला जो आंदोलन है वो है बंगाल में हुए आंदोलन। बंगाल में दो आंदोलन हुए। पहला नील विद्रोह, कब? 1860 में। इसका मुख्य कारण जो था नील की खेती वाले जमींदार और अंग्रेजों द्वारा अत्याचार। इसके मुख्य नेता हुए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि किस पुस्तक में नील की खेती के बारे में वर्णन किया गया? इस पुस्तक का नाम है नील दर्पण, जिसके लेखक हैं दीन बंधु। ठीक है, दूसरा आंदोलन जो बंगाल में हुआ था वो हुआ था तेभागा आंदोलन। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। इसका जो कारण था वो ये था कि किसानों ने मांग रखा कि उपज का 2/3 किसानों का होगा और 1/3 भाग जमींदारों का, 1/3 भाग जमींदारों का। इसके जो मुख्य तेभागा आंदोलन के जो मुख्य नेता हुए वो हुए भवन सिंह। कौन हुए? भवन सिंह। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा
जो किस मुख्य महत्वपूर्ण किसान आंदोलन भारत में हुए उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे अच्छे टॉपिक लाए जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिले।